हेलो एवरीवन। तो अभी तक जैसा कि हमने क्या पढ़ लिया था, हमने देख लिया था कि रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी कर ली थी। हमने ये भी देख लिया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हमें डिसाइड करना होता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं। वो जो मैंने एक सीक्वेंस बताया था बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो एग्जाम में आप सीक्वेंस भूल गए तो गलती वहीं पे हो जाएगी। एक खास बात थी, आप सबने ये देखा होगा कि चाहे वो रेजोनेंस हो चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो, इन सब में एक खास बात थी कि जो डीलोकलाइजेशन हो रहा था वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, और जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में याद रखिएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। किसका? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क करता है, क्या क्या हो क्या होता है, कैसे इनकी एप्लीकेशंस क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन के हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सपोज दैट ये है CH3CH2+, ये एक कार्बोकेटायन है। क्या है? ये एक कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन पता है आप सबको कि होता क्या, कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस नोन है कार्बोकेटायन। और याद रखिएगा इनके डिटेल स्टडी हम बस जैसे ही हमारे ये GOC का पार्ट खत्म होता है उसके बाद हम आ जाएंगे इंटरमीडिएट्स पे, तो वहां पे इसके हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो ये है CH3CH2+। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे बनाऊं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बच्चे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पे इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन से बॉन्ड बना है, तीन सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर जीरो। सम जब थ्री आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बच्चे ये जो कार्बन है इस समय sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री क्या होती है? बच्चे उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। तो याद रखिएगा ये जो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऐसा हाइड्रोजन होता है, अभी आपको ये समझ में आएगा मैं ये क्यों बता रहा हूं, और एक ऐसे कर लो। देखो ये जो डार्क लाइन है इसका मतलब होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, सपोज दैट ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये जो है ये कार्बन है, ठीक। ये जो मैं ये पकड़ा हूं ये हाइड्रोजन है, ये किसके है? ये मान लो एक प्लेन था, ये कार्बन है, ये एक प्लेन था, ये कार्बन से ये जो हाइड्रोजन है ये डॉटेड, ये डार्क वाला है, डार्क वाला हाइड्रोजन है, ठीक। और ये जो डैश में मैंने लिखा है ये बैक साइड है, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। ये मतलब कि देखो ये अबव द प्लेन, ये सॉरी बच्चे ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है। समझ में आया? ये अबव द प्लेन होता है और ये बिलो द प्लेन होता है। याद रखिएगा ये कौन से स्टेट में था? sp2। तो हम करते क्या है कि कार्बन का इतना तो हो गया, ठीक। तो यहां पे एक इसका p ऑर्बिटल जो था वहीं से तो एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो इसका ये p ऑर्बिटल था। अब यहां पे देखो ये भी कार्बन क्या है, ये इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगी। sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल TH, मैं TH लिख दे रहा हूँ। तो इसकी जो ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल है। तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो हाइड्रोजन है, मान लो एक ऐसे बना लो हाइड्रोजन, एक जो होता है वो अबव द प्लेन होता है। बच्चे याद रखिएगा ये जो अभी मैं बता रहा हूँ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आ रहा इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ खास नहीं, बस इतना जान लो कि डार्क का मतलब क्या होता है और डैश का मतलब क्या होता है। डार्क का मतलब होता है कि वो प्लेन से, सपोज दैट ये एक प्लेन है, प्लेन से बाहर निकला है, मतलब अटैच ये बॉन्ड जो है ये अबव द प्लेन है, इस ये प्लेन के अबव है, और जो एक इसके हाइड्रोजन पीछे वो इसके दीवार के उस पार से अटैच होगा, ठीक। ये जो था ये क्या है बच्चे, इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। और ये जो डैश वाला होता है इसको बोलते हैं बच्चे बिलो द प्लेन।
ये सारी बातें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखी, मैंने स्टीरियो पढ़ा रखी है, तो आपने देखा होगा कि मैंने सारे, अगर जो बच्चे नए हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो जाके स्टीरियो केमिस्ट्री का वो पार्ट देख ले। जरूरी नहीं कि यहाँ का वीडियो पॉज करके डायरेक्ट वहां पहुंच जाओ। अभी जो मैं खुद जो अलग चैप्टर से रिलेटेड बात होती है, मैं वहां इनको बता देता हूँ, इसको मार्क कर लो, वहां पे जाके देख लेना जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ना, तो उसके बाद यहाँ पे ये चीज देख लेना, ठीक। अब ये है एक हाइड्रोजन, ये क्या है, ये उसी प्लेन में है, किसी, ये जो पी ऑर्बिटल जिस प्लेन में था, ये हाइड्रोजन जो है उसी प्लेन में। अब देखो बच्चे होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इट इज अ टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। तो देखो इसके पी ऑर्बिटल में पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे क्या होता है बच्चे, एक सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, दो इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो जाए, डीलोकलाइज हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन भी तो डीलोकलाइज हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है? तो बच्चे हाँ, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि ये जो हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके बीच का इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए, डीलोकलाइज कर जाए। और बच्चे ये क्या है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और किसमें जा रहा है, पी। तो इसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन। याद रखिएगा, एक बार आईआईटी में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके का डीलोकलाइजेशन शो करता है, तो बच्चे ये सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन शो करता है। जो मैं बातें बताता हूं उनको आप अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि वही उसी तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एक बात तो हमने सीख ली कि सिग्मा पी डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक। अब होता क्या बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहाँ पे हम करते क्या है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है इधर, तो मतलब कि ये जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, तो बच्चे ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड तो रह ही नहीं जाएगा। जब बॉन्ड नहीं रह जाएगा तो बनता क्या है, देखो इसको हम दिखाते हैं ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जब ये बॉन्ड जो है ये इधर चला गया, तो मतलब ये कार्बन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स था, शेयरिंग जो हुई थी कार्बन हाइड्रोजन से, वो इस पी और इस कार्बन के पी ऑर्बिटल में चला गया, कार्बन के पी ऑर्बिटल में चला गया। तो इसको हम दिखाते किससे, एक बॉन्ड तो पहले से बना था, एक ये है डॉटेड बॉन्ड से, डबल बॉन्ड हम शो करते हैं किससे, और यहाँ पे ये बच्चे H प्लस जो था वो निकल जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए, तो बच्चे इनमें बॉन्ड ही नहीं रह गया, कार्बन हाइड्रोजन में पहले बॉन्ड था, अब वो बॉन्ड नहीं रह गया। इसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को एक और नाम से जाना जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या, नो बॉन्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बॉन्ड नहीं बचा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, इसी वजह से इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। याद रखिएगा, इनके बीच में जब ये और ये, एक तरीके से यहाँ पूरा पूरा ये पूरा पूरा पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि बच्चे कोई कुछ भी हो, हम एक्सट्रीम केस के लिए ये दिखा देते हैं कि इजी रहे हमें चीजें, तो ये इसलिए हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड ही रहता है, क्योंकि मैंने क्या बोला है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उनका डीलोकलाइजेशन होता है बच्चे। डीलोकलाइजेशन का मतलब ही होता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन गया तो वापस भी आता है, इस वजह से यहाँ पार्शियल बॉन्ड होता है, लेकिन हम चीजों को समझने के लिए, आसान करने के लिए, हम हमेशा इसको डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हम करते हैं, समझ में, इतनी बात आपको समझ में। याद रखिएगा एक छोटी सी और बात है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में हमें पता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है किससे, पाई बॉन्ड से। तो इसी वजह से अगर देखा जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन करता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन जितने भी कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल हो गए, इन सबकी स्टेबिलिटी को भी ये बताता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चे जैसा कि हमने अभी पढ़ रखा था मेसोमेरिक इफेक्ट, तो वो भी ये सब काम करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू भी हम क्या बताते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल, वो सब भी हम देख लेते हैं उसके थ्रू। देखो अगर ये सिग्मा बॉन्ड है, क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये जो है
अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है बच्चे। जब सिग्मा बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड जो होता है रोटेट हो सकता है, क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो कभी ये जब बॉन्ड, ये जो अभी क्या था, प्लेन में था ये बॉन्ड, अगर ये रोटेट होगा तो ये बॉन्ड, ये जो अबव द प्लेन था, ये कार्बन के इस प्लेन में आ जाएगा। तो बच्चे ये जो है रोटेट कर सकता है, ये जो कार्बन का कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है ये रोटेट करता है। और पाई बॉन्ड जो जो जितने भी ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले होते हैं, जितने भी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो रोटेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या बनना होता है, पाई बॉन्ड बना होता है। और सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है, किसमें, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन होता है, मतलब कि ये कार्बन रोटेट कर सकता है। बच्चे जब ये कार्बन कार्बन रोटेट करेगा तो ये वाला जो था अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, जब ये रोटेट करेगा तो ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन हो जाएगा और ये बिलो द प्लेन अबव द प्लेन हो जाएगा। मतलब कि एक टाइम पे इधर ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल होती है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में, प्लीज अच्छे से नोट डाउन करते रहिएगा, जितनी भी बातें सब बहुत इंपॉर्टेंट ही बातें हैं। अब देखना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। पहले देखो, मेसोमेरिक डिफेक्ट में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा क्या होता है बच्चे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे होगा वो देख लेते हैं, कि कंडीशंस कौन कौन सी कंडीशंस पे हाइपर कॉन्जुगेशंस होते हैं। तो हेडिंग डालिएगा कंडीशंस कंडीशंस। तो पहली कंडीशन ये है, यहाँ पे मान लो ये कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सब पे वैलेंसी फुल कर लो CH3। तो बच्चे याद रखिएगा, कार्बोकेटायन के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, और ये मान लो CH3 है और इसको बोलेंगे बच्चे गामा कार्बन। इसके बगल वाला भी अगर कोई कार्बन हो तो उसको बोलते हैं डेल्टा कार्बन। कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन को याद रखिएगा हमेशा क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इतनी बात समझ में? तो कंडीशंस हेडिंग मैंने डलवाई थी, क्या हेडिंग डलवाई थी, कंडीशंस हेडिंग डलवाई थी। तो पहली कंडीशन ये है, अल्फा कार्बन जो होगा मस्ट बी, अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। तो पहली कंडीशन ये थी कि अल्फा कार्बन जो होगा, जो कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन होगा बच्चे, वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कि जो अल्फा कार्बन है, मतलब कि अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं बच्चे, जैसे अल्फा कार्बन है, ठीक, ये अल्फा कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखा जाएगा। कैसे देखते हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ी देर में बात करेंगे कि कैसे हम देखेंगे क्या होता है चीजें। तो इतनी बात समझ में, कंडीशंस क्या होती हैं, पहली कंडीशन अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, दूसरी कंडीशन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ही जरूरी है, ये दो कंडीशन होगी तभी वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और ये पी ऑर्बिटल है और ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अभी मैं यहाँ पे अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं बता रहा हूँ, मान लो ये ए था, ये ए वाला हाइड्रोजन था, इस हाइड्रोजन के मैं नंबरिंग कर लिया, ये ए है, ये हाइड्रोजन बी, ये हाइड्रोजन सी। तो देखो होगा क्या, पहले इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे ये डीलोकलाइज हुए इसके पी ऑर्बिटल में, अगर उसके बाद मैं एक बार रोटेशन करा दूं, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसका रोटेशन करा दूं, तो एक टाइम पे ये भी तो हो सकता है यहाँ पे एच बी आ जाए, यहाँ पे एच सी आ जाए और यहाँ पे एच ए आ जाए, ये कार्बन और ये पी ऑर्बिटल और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो एच बी का जो इलेक्ट्रॉन्स था वो भी तो एक टाइम पे यहाँ जा सकता है, क्योंकि बच्चे सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेशन पॉसिबल होती है। ठीक, एक और कंडीशन ये भी हो सकती है बच्चे, कि
ये जो कार्बन कार्बन यहाँ पे एच सी आ जाए, ये हो जाए एच बी, ये हो जाए एच ए, ये पी ऑर्बिटल एम्प्टी पी ऑर्बिटल, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन यहाँ भी तो हो सकता है। तो इन सब से हमने सीखा क्या कि जो डीलोकलाइजेशन होगा, ये अल्फा कार्बन था बच्चे, अल्फा कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे, जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन सब से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल होता है ड्यू टू रोटेशन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड इन द का इन कार्बोकेटायन। ठीक, तो मतलब कि एक चीज मैंने आपको बहुत पहले ही बता रखी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, डीलोकलाइजेशन से एनर्जी जो होती है, याद रखिएगा पहले एक बात, इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन स्टेबिलिटी। मतलब कि अगर एनर्जी किसी सिस्टम की बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी घटती है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो एनर्जी क्या होती है बच्चे, घटती है, एनर्जी रिलीज करेगा, जाने में एनर्जी लगेगी, तो भाई एनर्जी एनर्जी डिक्रीज होगी तो बच्चे स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा डीलोकलाइजेशन जितना होगा उतनी ज्यादा उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। मतलब कि आप ये कह सकते हो डीलोकलाइजेशन कब ज्यादा होगा बच्चे, जब अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होंगे। इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अपनी ही लैंग्वेज में लेकिन लिख लीजिएगा इस बात को, कि देखा हमने डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होता है बच्चे एनर्जी उतनी क्या होती है, उतनी एनर्जी बढ़ हाँ एनर्जी क्या होती है बच्चे, क्या होती है, घटती है, क्योंकि डीलोकलाइजेशन होगा तभी तो एनर्जी, कहीं से अगर आप इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो तो वहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी पहले की कंपैरिजन में घटी, एनर्जी घटी तो बच्चे स्टेबिलिटी बढ़ेगी बच्चे। तो डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और डीलोकलाइजेशन कैसे ज्यादा होगा, डीलोकलाइजेशन कैसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन। तो एक बात हमने यहाँ पे सीख ली, अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस बात को आपको समझ में आना चाहिए बच्चे, लिख तो सब बच्चे लेते हैं लेकिन असली में समझ में आना वही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको अगर समझ में आए क्यों मैं ये लिख रहा हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन कार्बन किससे बना है, सिग्मा बॉन्ड से बना है। सिग्मा बॉन्ड में मैंने क्या बताया बच्चे कि वहां पे रोटेशन पॉसिबल होता है। तो बच्चे एक टाइम पे ये बॉन्ड जो है, ये कार्बन हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, रोटेट। ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये तीनों बॉन्ड जो है, ये इनकी बात कर रहा हूं, तो इनमें रोटेशन पॉसिबल होगा। एक टाइम पे एच ए आगे है तो एच ए यहां भी आ सकता है, एच सी यहां है तो यहां भी आ सकता है, इनके बीच में क्या है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल होता है, तीनों के साथ सिग्मा बॉन्ड है तो ये तीनों रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन की वजह से एक बार एच ए होगा ऊपर, एक बार एच बी, एक बार एच सी। तो हमने देखा क्या, हमने देखा कि यहाँ जो इस पी ऑर्बिटल के प्लेन में ये था, ये वाला हाइड्रोजन था, तो एक टाइम पे पहले ये होगा फिर ये इधर आ जाएगा फिर ये इधर आ सकता है। तो जो हाइड्रोजन प्लेन में है इस पी ऑर्बिटल की, ये क्या बच्चे पी ऑर्बिटल है, इस पी ऑर्बिटल के प्लेन में अगर ये वाला है क्या है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन्स था वो इस पी और एम्प्टी पी ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो इस वजह से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ एम्प्टी पी ऑर्बिटल, तो एम्प्टी पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो एक टाइम पे एच ए का डीलोकलाइज हो सकता है, एक टाइम पे एच बी का, एक टाइम पे एच सी का। अब बच्चे जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा एनर्जी उस सिस्टम की उतनी घटेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो एनर्जी जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आई। अब एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है वो देखना, देखना मेसोमेरिक इफेक्ट में आपने क्या देखा, मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा था, मतलब कि वहां पे पाई बॉन्ड्स टूट रहे थे एक तरीके से कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या
टूटना, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे था, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहा था इसके पी ऑर्बिटल में, तो बच्चे ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जो था ये टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो याद रखिएगा, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में कौन ज्यादा, किसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड ब्रेकिंग में, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, सिग्मा बॉन्ड को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। बच्चे इसी वजह से हमेशा याद रखना मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर आता है रेजोनेंस, फिर आता है हाइपरकॉन्जुगेशन। बच्चे ये मैं किसका ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये डोमिनेटिंग का लिख रहा हूँ, हाइपरकॉन्जुगेशन याद रखिएगा, डोमिनेटिंग। सबसे ज्यादा कौन डोमिनेट करेगा, डोमिनेट मतलब अगर जब स्टेबिलिटी किसी भी इंटरमीडिएट के निकालने को आया, अगर वहां पे हम देख रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट भी, तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग ही निकाल उसको स्टेबिलिटी बताएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको समझना, यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, पाई बॉन्ड का डील, पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अब आप एक बात बताओ, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने में और पाई बॉन्ड ब्रेक करने में किसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, इस वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होगी बहुत ज्यादा अमाउंट पे रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा, सॉरी बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में इसी वजह। और मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, थोड़े एनर्जी देने पे ही पाई बॉन्ड जो होता है वो टूट जाता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट जल्दी लग जाता है एज कम्पेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा मेसोमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेटिंग करता है, ये बात समझ में आई। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा है, देखना, ये है CH3, CH2+। अच्छा पहले आपको ये बताना है कि कहां कहां हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं, आपको ये बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल। हाँ तो पहला, पहले वाले में तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चे ये अल्फा कार्बन है, कार्बोकेटाइन के बगल वाला अल्फा कार्बन। अच्छा अब देखो काउंट भी करते रहना हमें कि कितने अल्फा हाइड्रोजन, बच्चे अल्फा कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन, कितने, तीन अल्फा हाइड्रोजन, थ्री अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास काउंट करो अल्फा कार्बन तो है, अल्फा कार्बन किस स्टेट में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है, ये भी सही है, लेकिन बच्चे यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो नो अल्फा हाइड्रोजन, तो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लग सकता। यहाँ पे चेक करो बच्चे, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है क्योंकि चार बॉन्ड बनाया है, चार बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होगा ही, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक। इसकी बात करो तो कार्बोकेटायन के बगल वाला कार्बन ही अल्फा हाइड्रोजन होता, अल्फा कार्बन होता है, सॉरी अल्फा कार, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक, ये वाला आपको बताना है, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चे इस पे आपको बताना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं, और प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट है, तो बच्चे ये है कार्बोकेटायन वाला कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन मैंने हमेशा क्या बोला था, अल्फा कार्बन, तो बच्चे बगल वाला ये भी तो है, तो ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन। अब दोनों के पास देखो एक बॉन्ड नीचे बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, तो दो हाइड्रोजन भी होंगे, यहाँ भी दो हाइड्रोजन होंगे, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, दो यहां से दो यहां से, टोटल कितने हो गए बच्चे, चार अल्फा हाइड्रोजन हो गए, चार अल्फा हाइड्रोजन। निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। अब बच्चे आपको बताना है कि इस कंपाउंड में
इस कंपाउंड में टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो ये कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन वाला कार्बन, ये बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और कुछ हो सकता है क्या बच्चे? ये भी तो मैंने कहा था इससे डायरेक्टली अटैच, ये भी कार्बन तो है, ये भी कार्बन तो ये भी तो अल्फा कार्बन ही हुआ, अल्फा कार्बन ये भी तो हुआ। तो बच्चे आप काउंट करना है कि टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने, यहाँ पे दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी दो और यहाँ पे तीन है, तो तीन तीन दो पांच, पांच दो सात अल्फा हाइड्रोजन, टोटल सात अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने थे? सात अल्फा हाइड्रोजन। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं करना उसमें। ठीक, अब इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। तो देखना ये कार्बोकेटाइन हो गया, ये कार्बोकेटाइन, इसके बगल वाला ये क्या है बच्चे? अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो अल्फा कार्बन, ये एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर, तो ये कार्बन चार बॉन्ड ऑलरेडी बनाया है, तो इसके पास हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन। अब ये भी तो अल्फा कार्बन है क्योंकि डायरेक्टली अटैच है इस बॉन्ड से, तो ये भी अल्फा कार्बन। अब इसके पास देखो एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर दो, और ये एक तीन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन होगा, तो इस कंपाउंड के पास टोटल एक अल्फा हाइड्रोजन, कितने? वन अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरीके से देखना, हाँ अच्छा अब बताओ कि इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन है। देखो बड़ा मॉलिक्यूल अगर देख के आप डर रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन हमको दिखने में लगता है वो एक्चुअल में उतना बड़ा होता है। बच्चे यहाँ मैंने एक रिंग जोड़ दी, कुछ अलग थोड़ी ना हो गया, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड ऑलरेडी बने हैं, तो एक हाइड्रो एक वैलेंसी कमी थी, तो एक वैलेंसी किससे हमेशा फिल होती है? वो हाइड्रोजन। यहाँ पे दो बॉन्ड ऑलरेडी बने थे तो दो हाइड्रोजन से, तो इसके पास टोटल अल्फा हाइड्रोजन दो और एक तीन, तीन अल्फा हाइड्रोजन टोटल प्रेजेंट थे। कितने? तीन अल्फा हाइड्रोजन टोटल प्रेजेंट थे। एक और मेरे दिमाग में बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है, CH3 CD2 CH2+, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो बच्चे यहाँ पे ये क्या लिखा है? CD2 लिखा है, CD2। ठीक, तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है कि। तो बच्चे आंसर इज यस। कैसे? देखो हाइड्रोजन का ही आइसोटोप होता है क्या? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ट्रिटियम और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के ही आइसोटोप होते हैं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं, इस वजह से ये भी, और ये कितने? दो अल्फा ड्यूटेरियम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो दो, एक तरीके से दो अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये इतनी सी बात ये थी, हमने क्या सीख लिया कि कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कहाँ पे नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन निकालना हमने सीख लिया, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं वो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि इनका अप्लीकेशन क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने पढ़ तो लिया कि भैया अल्फा हाइड्रोजन निकालना सीख गए, अल्फा हाइड्रोजन किस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा किस में नहीं होगा, ये सब बातें तो सीख लिए, लेकिन इनका यूज क्या है अब ये देखते हैं हम। ठीक, ये है CH3 CH2+, ये है CH2 CH3 ठीक, और था ठीक, इसको क्या कर लो, इरेज कर लो।
ये है बच्चे मेरा क्वेश्चन, ये ए है, ये बी है, इसको मैंने थोड़ा नीचे कर दिया है, ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले आपको बताना है कि हाइपर कॉन्जुगेशन होगा कि नहीं होगा इन सब में, इन सब में हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी गलती हो गई बच्चे, ये ऐसे था, ये हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हाँ अब सही है, ये क्या है, ये सी है, ये बी है, ये ए है। ए बी सी में आपको क्या बताना है बच्चे, ए बी सी में आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो कुछ बच्चे तो देख के बता देंगे कि ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, लेकिन वो बच्चे बताते कैसे हैं, वो उनका रीजन होता है, वो बताते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि देखो मैं मानता हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट, ये जो CH3 था, ये प्लस आई होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो इन तीनों के डोनेशन की वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे दो ही ऐसे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे तो एक ही प्लस आई इफेक्ट है, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो बच्चे सही है, सी बी ए ही होगा, क्योंकि सी जो है, सी पे 3 प्लस आई ग्रुप लगे हैं और बी पे 2 प्लस आई, यहाँ पे 1 पे ए, लेकिन रीजन अब बदल जाएगा। याद रखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इस बात को लिख लीजिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट से डोमिनेट। ये जितनी बातें अभी मैं सिखा रहा हूं ना, उनको सीखते रहिएगा, उनको सीखते रहिएगा, ठीक, क्योंकि यही आपकी, यही आपको अलग बताएगी किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने में यही आपको अलग बनाएगी। तो इनका रीजन क्या है, एक्चुअल रीजन क्या होता है बच्चे, देखो इसको मैं बताता हूं आपको ऐसे करके, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज, ये दो हाइड्रोजन, ये ए कंपाउंड था, ठीक, इसको अभी मैं इरेज कर देता हूँ, बी वाले को, बी सी दोनों को, एक एक करके हम सब सीखेंगे। अब मैं बी वाला बनाने जा रहा हूँ, बी वाला बच्चे क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे कार्बन था जिससे क्या जुड़ा था, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक। और ये ए और बी और सी में क्या था, ये सी था, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। तो बच्चे ये तीनों कंपाउंड मैंने आपको दिए थे, थोड़ा सा अगर आपको देखने में कहीं कुछ, ये मेरा याद रखिएगा, सॉरी बच्चे, बहुत ही ज्यादा सॉरी अगर आपको मेरी राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं डे बाय डे अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो लेकिन याद रखिएगा केमिस्ट्री में हमें राइटिंग नहीं, केमिस्ट्री में हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, एक बार यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स अपना डिलोकलाइज किया, जब इनके अलोंग रोटेशन होगा तो एक बार ये बॉन्ड भी, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसके प्लेन में आ जाएंगे, इस पी ऑर्बिटल के जब रोटेशन होगा, सपोज दैट यहाँ पे ऐसे रोटेशन हुआ, तो रोटेशन की वजह से ये वाला जो बॉन्ड होगा ये नीचे आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा तो ये भी तो अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे सकता है, और जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, तो 3 बार, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे 3 बार डीलोकल, 3 बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन हो रहा है पी ऑर्बिटल में, 3 सिग्मा बॉन्ड से डीलोकलाइजेशन हो रहा है एक पी ऑर्बिटल में। और बच्चे यहाँ की बात करो तो देखो एक बार ये है कि यहाँ से ये पी ऑर्बिटल पे अब ये दे सकता है, यहाँ से भी ये दे सकता है, और ये वाला बॉन्ड जब इधर आ जाएगा तो ये भी तो दे सकता है, इसी तरीके से ये भी दे सकता है, तो टोटल यहाँ 6 सिग्मा बॉन्ड से क्या जा रहा है, पी, इसके पी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और यहाँ पे काउंट करोगे 3 3 6 3 9, तो जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन सबसे ज्यादा इसमें डीलोकलाइजेशन हो रहा था, मैंने बता रखा है कि डीलोकलाइजेशन जितना ज्यादा एनर्जी का लॉस उतना ज्यादा और स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा इंक्रीज, दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज
CBA, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो सेकेंडरी और प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल होता है। तो जनरली हमको पढ़ा क्या दिया जाता है कि ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो आज हमने सीख लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से नहीं, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन उसकी स्टेबिलिटी टर्शरी ज्यादा होता है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल होता है लेकिन जो डोमिनेंट करता है वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बच्चे, वो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की ही वजह से स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की टर्शरी की ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो टीचर्स आपको बता देते हैं ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट वो रीजन जो है बहुत हद तक गलत है। क्या है? बहुत हद तक गलत है। थोड़ा अगर कभी मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन में आ गया, अगर एमसीक्यू टाइप में आ गया और हाइपर कॉन्जुगेशन ऑप्शन में नहीं है, तब हम लिख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है टर्शरी की ज्यादा। लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लिखा है उस ऑप्शन में तो याद रखिएगा हम हाइपर कॉन्जुगेशन को टिक करेंगे। एक बात और है, ये देखो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका पी ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे एक रेडिकल है, बोले तो ये लिखा हूं मैं CH3, CH2 रेडिकल है ये, तो इसके पी ऑर्बिटल में रेडिकल है। यहाँ भी रेडिकल हमेशा याद रखना इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, मतलब उनके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स की लेन इलेक्ट्रॉन्स को लेने की। तो क्या यहाँ भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं? तो बच्चे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ से एच प्लस, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी को भी बताता है। इसी वजह से याद रखिएगा जो ऑर्डर होता है किसका, CH3 CH2 रेडिकल, फिर CH3 CH3 रेडिकल, ये सेकेंडरी रेडिकल है और ये CH3 ये टर्शरी रेडिकल है। तो इस वजह से इसका जो ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का, किस कौन सी चीज का ऑर्डर बच्चे, ये फ्री रेडिकल का। मैंने फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, डिटेल स्टडी हम बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। इसी वजह से हमेशा हम याद रखिएगा, पहले अभी तक हमने क्या देखा था इंडक्टिव इफेक्ट, तो वहां पे मैंने खुद आपको बता दिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होता है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जैसे टर्शरी की ज्यादा होती है देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। फ्री रेडिकल में भी मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे भैया तीन इलेक्ट्रॉन, तीन क्या है वो है प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कमी थी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा तो इस वजह से स्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा। लेकिन आज हमने क्या सीख लिया, इसीलिए मैं कहता हूं जी, इसीलिए मैं हमेशा समझाता हूं कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है ऑर्गेनिक में, आप सीखते तो रहिए सीखते रहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक हमें डेली कुछ ना कुछ नया ही सिखाएंगे। तो एक बार पहले आप जीओसी पूरी कंप्लीट कर लो, अच्छे से समझ लो, जितने भी एप्लीकेशन पार्ट है आपको जीओसी में समझ में आ जाएगा, फिर आप उसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाओ, तब आपको दिक्कतें नहीं होंगी। तो इतनी बात आपको समझ में आई, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आ रहा है, आप उसको लिखिएगा। हाँ तो देखना, अच्छा एक बात और लिख लेना कि हाइपर कॉन्जुगेशन को हमने क्या पढ़ा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तो मैंने बताया नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक, दूसरा एक बच्चे इसका और नाम जाना जाता है, इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी कहते हैं, कि इसके कई तरीके के नाम है। और ये जो बेकर नेथन इफेक्ट का एक बार यूपीटीयू के क्वेश्चंस में, यूपीटीयू के पेपर में आया था, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो नोन है, नीचे ऑप्शन थे बेकर नेथन इफेक्ट और कई सारे ऑप्शन थे। और एक और हमने मैंने आपको बताया उसको बोलते हैं सिग्मा पी डी लोकलाइजेशन भी बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में हूबहू ऐसे ही आ सकती हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आ सकती हैं। अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं उससे आपका दिमाग खुल जाएगा एकदम, हाइपर कॉन्जुगेशन में उस क्वेश्चन से आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन
ये है बच्चे ए, ये है बी। आपको बताना है ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहली बात, दोनों कौन से कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में क्यों कह रहा हूं आपको पता है, क्योंकि ये एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन इधर से। जितने कार्बन से अटैच होता है उसको बोलते हैं उतने ही डिग्री का वो कार्बोकेटाइन होता है। ये भी देखो एक कार्बन इधर से अटैच है, एक कार्बन इधर से अटैच है, तो इस वजह से ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब दोनों सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो गए। अब देखना क्या होता है बच्चे, जो मैंने आपको बताया है ये क्या है, अल्फा हाइड कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन के पास तीन अल्फा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि बच्चे एक ही सिग्मा बॉन्ड इधर बनाए हैं और टोटल चार वैलेंसी होती है। जो बाकी के हम लिखते नहीं है वो किससे सेटिस्फाइड होती है, वो वहां पे हम उसको हम अंडरस्टूड मानते हैं, वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बच्चे, दो तो कार्बन से बॉन्ड अटैच है तो दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे। इसकी बात करो तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये भी अल्फा कार्बन तो दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, पांच अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे चार अल्फा हाइड्रोजन थे। अब आप मेरे को बताओ विथ रीजन कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। मैं कह रहा हूं ये बी था, बी इज ग्रेटर देन ए स्टेबिलिटी। अब आपको रीजन बताना है ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो बच्चे जब इसके पी ऑर्बिटल्स में पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तो यहाँ पे जो ये अल्फा हाइड्रोजन था, एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, एक बार ये, तीन यहाँ से मिल जा रहे थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, दो यहाँ से मिल जा रहे थे, तो टोटल पांच अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे टोटल चार ही अल्फा हाइड्रोजन थे। तो मैंने आपको बता रखा है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। एक और क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, आपके 11th क्लास के लिए और 12th के लिए तो नहीं कह सकता हूं मैं, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन एक कंपटीशन का क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, वो भी आप देख लीजिएगा। 11th वाले बच्चे ये मत सोचे कि मैं बहुत हाई लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, ताकि आपका जो मैं सच आपको बताता हूँ कि मेरा मोटो क्या है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझसे पढ़ लो, लेकिन आप जब कॉम्पिटिशन, आपने मुझसे 11th में जीओसी पढ़ी, कुछ बच्चे याद रखिएगा, ये जो जीओसी है वो 11th वाले बच्चों के लिए भी है, वो 12th वाले बच्चों के लिए भी है, क्योंकि जीओसी बदलती नहीं है, जीओसी बदलती नहीं है। वो 11th तो चाहे 12th तो चाहे वो आईआईटी जेई हो चाहे नीट हो, उन सब के लिए यही जीओसी है, यही इफेक्ट काम करता है। बस ये होता है कि कुछ क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम बढ़ा देते हैं। अभी मैं आपको, फिर भी मैं आपको काफी हद तक बता रहा हूँ चीजों को, तो याद रखिएगा मैं आपसे कह क्या रहा था कि ये मत सोचिएगा कि सर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा। मेरा जो मोटो है, मैं चाहता हूँ कि जब आप क्लास 11th में, तो आपका वहीं से कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो, जब आप 12th में जाए, अब जब आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में बैठे तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ रही। नहीं तो आसान आसान बातें मैं भी वो यार लिखा के पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि आपके बोर्ड एग्जाम खराब हो जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि आप कंपटीशन देने जाएं आपको कुछ आए ना, तो मैं उन सबको बैलेंस करते हुए चीजों को पढ़ा रहा हूं। तो याद रखिएगा ये एक क्वेश्चन है CH3BS2, यहां आपको बताना है बच्चे कि हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। CH3BS2 है क्या है बच्चे, ये CH3BS2 है, तो आपको यहाँ बताना CH3BS2 में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो मेरा आंसर है बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे ये बोरॉन है, ये बोरॉन है, बोरॉन का क्या है, कितना होता है, पांच होता है, 1s2, 2s2, 2p2, दो दो चार 2p1। तो बोले तो पी ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, छह इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, हैं कितने, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो पी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वैकेंट होगा, क्या होगा, खाली होगा। तो अगर इस हाइड्रोजन को ऐसे मैं बनाऊं
तो यहाँ भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन से उठ के इसके एमटीपी ऑर्बिटल में आ जाए, इसी को तो बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे भी तो पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे भी क्या हो, हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो, इसी वजह से यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल। इस तरीके के एग्जाम्स आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में वहां आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको यहां पे बताना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब आप पहले खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी। तो देखना, तब तक आप खुद से डिसाइड करिए, मैं एक अलग सा क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके लिए। हाँ, तो इन दोनों क्वेश्चन को पहले आप खुद से डिसाइड करिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो पहला ये क्वेश्चन था, दूसरा ये था। तो देखो, पहले कार्बन में है क्या, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन। बच्चे हम अब जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो, जब हम देख लेंगे कि क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तब हम क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हम देख लेंगे किसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसमें कम स्टेबिलिटी। तो पहला हमारा काम क्या है, जब भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की बात करें तो हम अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। अल्फा हाइड्रोजन मान लो नहीं है किसी में, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उसकी स्टेबिलिटी बता लेंगे। लेकिन पहले काम है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन देखना, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे दो हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, तो टोटल चार अल्फा हाइड्रोजन थे बच्चे। यहाँ पे काउंट करो तो देखो, एक अल्फा कार्बन ये है, एक ये है बच्चे, ये भी तो अल्फा कार्बन है। तीन हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन इसके पास और दो हाइड्रोजन इधर। तो काउंट करो, तीन तीन दो पांच, पांच दो सात अल्फा हाइड्रोजन इसके पास। काउंट करो तो एक अल्फा हाइड्रोजन ये, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, एक अल्फा कार्बन ये, तो तीन तीन तीन, तीन तीन छह, छह दो आठ, आठ दो दस, दस अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चे स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें अल्फा कार्बन ज्यादा होगा, तो इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी ड्यू टू क्या, रीजन क्या होगा बच्चे, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इन तीनों में बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इन तीनों में आपको बताना होगा, तो आप क्या बताओगे कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चार अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे बच्चे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये मतलब ये एक तरीके का ये लिखा है, ये CH2+ है ये। तो बच्चे यहाँ पे ये देखो डायरेक्टली अटैच है, तो यही तो एक ही अल्फा कार्बन हुआ, अल्फा कार्बन यही तो बस हुआ, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन थे। यहाँ पे चेक करो तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल टोटल तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इसमें चार है, इसमें एक है, इसमें तीन, तो इस वजह से ए सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी। तो ये कहानी थी हाइपर कॉन्जुगेशन से, हम क्या बता रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के बारे में हमने देख लिया था कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे बता सकते हैं। इतनी कहानी थी ये। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया था, हमने देख लिया था कि हमने हाइपर कॉन्जुगेशन स्टार्ट किया, उसके बाद हमने क्या क्या चीजें देखी कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा से पी इलेक्ट्रॉन्स, पी ऑर्बिटल में डीलोकलाइजेशन हो रहा था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद हमने देखा कि वो फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी को बता सकता है, वो कार्बोकेटायन की भी स्टेबिलिटी को बता सकता है। तो इतनी सब बातें अभी तक हमने सीख ली थी। अब हम मिलेंगे इसके नए लेक्चर में, जिसका नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
और एल्कीन की स्टेबिलिटी, इन तीन चीज को हम देखेंगे, उन तीन में क्या रोल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए ही कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।